नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस पार्टी ने आज शुक्रवार को लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसे न्याय पत्र नाम दिया गया है। ये मैनिफेस्टो 5 न्याय और 25 गारंटी पर आधारित है। कांग्रेस के घोषणा पत्र की बड़ी बातों की अगर बात की जाए तो इसमें केंद्र सरकार में 30 लाख नौकरियां, गरीब परिवारों की महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना, जाति जनगणना, MSP को कानूनी दर्जा, मनरेगा मजदूरी 400 रुपए, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग रोकने और PMLA कानून में बदलाव का ऐलान किया गया है। साथ ही सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लागू करने की भी घोषणा की गई है। कांग्रेस के अनुसार उसका घोषणा पत्र पार्टी के 5 न्याय, हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और युवा न्याय पर आधारित है। कांग्रेस ने हिस्सेदारी न्याय के तहत जाति जनगणना कराने और आरक्षण की 50% की सीमा खत्म करने की गारंटी दी है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में चुनावी बॉन्ड को लेकर कहा है कि संदिग्ध सौदों की जांच की जाएगी और उन लोगों को कानून के दायरे में लाया जाएगा जिन्होंने इससे अनुचित माध्यम से अवैध लाभ कमाया है। इसके साथ ही घोषणा पत्र में कहा गया है कि BJP में शामिल होने वाले पंजीकृत मामलों के आरोपियों को कानून से बचने की अनुमति दी गई, ऐसे लोगों पर लगे आरोपों की फिर से जांच की जाएगी। राहुल गांधी ने कहा है कि ये चुनाव लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी और NDA लोकतंत्र और संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन लोकतंत्र और संविधान की रक्षा कर रहे हैं। ये चुनाव इन दो शक्तियों के बीच है। कांग्रेस के घोषणा पत्र जारी करने के मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री P. चिदंबरम ने BJP की गारंटी की तीखी आलोचना की है। चिदंबरम ने कहा कि मोदी की गारंटी का क्या हुआ, हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का क्या हुआ, लोगों के खाते में 15-15 लाख रुपए जमा करने का वादा कहाँ गया, किसानों की आमदनी दोगुनी करने का क्या हुआ, $5 ट्रिलियन की इकॉनमी का क्या हुआ। चिदंबरम ने कहा कि हमारी 25 गारंटी ठोस हैं जबकि मोदी की गारंटी खोखली हैं। राजस्थान के चुरू में हुए एक चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस का बिना नाम लिए पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि भाजपा जो कहती है वो जरूर करती है, दूसरी पार्टियों की तरह भाजपा केवल घोषणा पत्र नहीं जारी करती, हम तो संकल्प पत्र लेकर आते हैं। 2019 में हमने जो संकल्प पत्र जारी किया था उसके ज़्यादातर संकल्प पूरे हो चुके हैं। बोलता हिंदुस्तान को यूट्यूब पर बंद कर दिया गया है, जिसके बाद कल ट्विटर पर लोग इसको ट्रेंड कराते रहे और आज योगेंद्र यादव ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है, शुरू हो गया चुनाव का पहला चरण, मीडिया के लिए BJP की आचार संहिता लागू, जो बोलता है उसकी बोलती बंद की जाएगी, पहले बोलता हिंदुस्तान का नंबर, बाकी का नंबर भी आएगा, चुनाव जारी है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री चेहरे को लेकर संशय बना हुआ है। चुनावी रैली में भी PM मोदी के साथ साथ BJP के नेता PM के फेस को लेकर इंडिया गठबंधन पर अक्सर निशाना साधते रहते हैं। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को इंडिया गठबंधन के चेहरे को लेकर प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र की लॉन्चिंग के दौरान कहा, भारत एक वैचारिक चुनाव लड़ रहा है और इंडिया गठबंधन के PM उम्मीदवार पर चुनाव के बाद फैसला लिया जाएगा। कांग्रेस छोड़ BJP में शामिल हुए गौरव वल्लभ से जब सवाल पूछा गया कि आपको कब एहसास हुआ कि कांग्रेस सनातन के खिलाफ हो गई है, इस पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के ही कुछ बड़े नेता और गठबंधन के वरिष्ठ नेता खुल्लम खुल्ला सनातन के विरोध बयान दे रहे थे, कांग्रेस उस समय चुप्पी साधे रहती थी, तो ये एक तरह से मौन स्वीकृति है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले 7-8 महीने से मुझे ऐसा लगने लगा था और मैंने शीर्ष नेतृत्व को इसके अवगत भी कराया था। जब प्राण प्रतिष्ठा का न्योता कांग्रेस ने ठुकरा दिया था उसके बाद तो मैंने TV डिबेट में जाना ही बंद कर दिया था। पॉलिटिकल लाभ हानि अपनी जगह है, लेकिन ये तो पाप है, मैं आपके पाप का हिस्सा नहीं बन सकता था। गौरव वल्लभ से जब पूछा गया कि आप वेल्थ क्रिएटर्स की बात कर रहे हैं, कुछ महीने पहले अडानी मुद्दे पर राहुल को डिफेंड करते थे, उन्होंने इस पर कहा कि आपने सही कहा बिल्कुल, लेकिन जब पूरी जांच हो गई, SEBI ने जांच की, उस जांच में क्लीन चिट मिल गई, उसके बाद भी सुबह शाम आप कैसे अडानी कर सकते हैं, आप हर वेल्थ क्रिएटर को गाली कैसे दे सकते हैं, अब तो जांच में पाया गया कि कोई इंसाइडर ट्रेडिंग नहीं हुई, फिर भी आप उन वेल्थ क्रिएटर्स को गाली दे रहे हो। आज के टाइम में तो कोई CEO मोदी की तारीफ कर दे तो आप तो उस कंपनी के खिलाफ ही लग जाते हो। मैं साफ कहना चाहता हूं कि संपत्ति कमाना या वेल्थ क्रिएट करना इस देश में कोई अपराध नहीं है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने जेल से चिट्ठी लिखी है। उन्होंने अपनी विधानसभा के लोगों को चिट्ठी लिखी है। सिसोदिया ने दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली में शिक्षा क्रांति आई। सिसोदिया ने पत्र में लिखा कि जल्द ही बाहर मिलेंगे,
शिक्षा क्रांति जिंदाबाद, लव यू ऑल। पिछले एक साल में मुझे सबकी याद आई, सबने बहुत ईमानदारी से मिलकर काम किया। जैसे आज़ादी के समय सबने लड़ाई लड़ी, वैसे ही हम अच्छी शिक्षा और स्कूल के लिए लड़ रहे हैं। अंग्रेजों की तानाशाही के बाद भी आज़ादी का सपना सच हुआ, वैसे ही एक दिन हर बच्चे को सही और अच्छी शिक्षा मिलेगी। दिल्ली के मंत्री अतिशी को चुनाव आयोग ने शुक्रवार को नोटिस भेजा है। इसमें उनके बीजेपी में शामिल होने या जेल जाने का सामना करने वाले दावे पर जवाब मांगा है। चुनाव आयोग ने उनसे सोमवार दोपहर 12 बजे तक जवाब मांगा है। चुनाव आयोग ने कहा कि नोटिस के हर एक पैरा का लिखित में जवाब दिया जाए। चुनाव आयोग के द्वारा अतिशी को भेजे गए नोटिस पर अतिशी ने जवाब दिया है और चुनाव आयोग पर हमला बोला और पूछा क्या ये भाजपा का सहयोगी संगठन है। अतिशी ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा उन्हें ईमेल के माध्यम से नोटिस भेजे जाने से एक घंटे पहले भाजपा द्वारा मीडिया में लीक किया गया था। उन्होंने पूछा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और चुनाव से पहले कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज किए जाने के बाद चुनाव आयोग ने नोटिस क्यों नहीं जारी किया था। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि शराब घोटाला बीजेपी ने किया है, आम आदमी पार्टी की सरकार ने नहीं। संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गहरी साजिश के शिकार हैं। संजय सिंह ने कहा कि कुछ चक्र रचकर देश के बेटे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ साजिश रची गई और उन्हें जेल भेजा गया। संजय सिंह ने कहा कि शराब घोटाले में बीजेपी के बड़े नेता शामिल हैं। संजय सिंह ने कहा कि एक व्यक्ति हैं मंगूटा रेड्डी, जिन्होंने 3 बयान दिए। उनके बेटे राघव मंगूटा ने 7 बयान दिए। 16 सितंबर को जब उनसे पहली बार ईडी ने पूछा कि क्या वो अरविंद केजरीवाल को जानते हैं तो उन्होंने सच बताया और कहा कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की, लेकिन चैरिटेबल ट्रस्ट की जमीन के मामले में उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया और 5 महीने जेल में रखने के बाद उनके पिता ने अपना बयान बदल दिया। सिंह ने कहा कि दिल्ली आबकारी नीति मामले में एक अहम किरदार मंगूटा रेड्डी की तस्वीर पीएम मोदी के साथ है। 16 जुलाई को ये हमारे खिलाफ बयान देते हैं, बीजेपी की साजिश में ये शामिल हो जाता है, जिसके बाद 18 जुलाई को इसकी बेल हो जाती है। उसका पीएम से क्या रिश्ता है? ये पीएम मोदी की तस्वीर लगाकर वोट मांग रहा है। टीडीपी ने इसे टिकट दे दिया है, टीडीपी एनडीए में शामिल है। संजय सिंह ने कहा कि अब एक और आरोपी शरद रेड्डी की बात करते हैं। इसके 12 बयान लिए गए, इसने भी मना किया अपने शुरुआती बयानों में। 6 महीने जेल में रहा, फिर जब उससे कहा गया कि बयान दो वरना जिंदगी जेल में सट जाएगी, शरद रेड्डी टूट गया। 25 अप्रैल को केजरीवाल के खिलाफ बयान दिया, पिछले 10 बयानों को हटा दिया गया ईडी द्वारा। जैसे ही केजरीवाल के खिलाफ बयान दिया, उनका बेल हो जाती है। राजस्थान के चुरू में पीएम मोदी ने कहा कि मुझे पता चला कि कांग्रेस ने एक एडवाइजरी जारी की है और अपनी सभी इकाइयों को अयोध्या में राम मंदिर के मुद्दे पर चुप रहने के लिए कहा है। उन्हें लगने लगा है कि अगर राम का नाम लिया तो पता नहीं कब राम राम हो जाए। उनके इस बयान के बाद वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक शर्मा ने कहा है कि चैन से सोना है तो जाग जाओ चुनाव आयोग। यहाँ प्रधान सेवक साफ तौर पर बार बार धार्मिक मुद्दों पर राजनीति कर रहे हैं, शर्म आती है राजीव जी, थोड़ी हिम्मत दिखाओ। बता दें इससे पहले पीएम मोदी ने बिहार में राम मंदिर का जिक्र किया था और आरजेडी कांग्रेस पर हमला बोला था, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग शांत रहा। बिहार में जमुई जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने राम मंदिर का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि राम मंदिर हमारी सरकार के दौरान बनाया गया था, जबकि कांग्रेस आरजेडी ने इसके निर्माण को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। आज भी ये लोग राम मंदिर का अपमान करते हैं, जिसके बाद लोग कह रहे हैं कि चुनाव आयोग हवन कर रहा है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री मोदी की तुलना में काफ़ी जूनियर नेता हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि उनके एक सवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को इस बात पर मजबूर कर दिया है कि वो परिवारवाद के बारे में कुछ ना भूलें। तेजस्वी ने प्रधानमंत्री मोदी के जमुई में होने वाली सभा के एक दिन पहले ये सवाल किया था कि क्या वो वहाँ एनडीए के उम्मीदवार के परिवारवाद के बारे में बात करेंगे, क्योंकि वहाँ की सीट समझौते के तहत चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को मिली है और इस सीट से उनके उम्मीदवार उनके बहनोई और दिवंगत रामविलास पासवान के दामाद अरुण भारती हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को जमुई में अपने भाषण में हर तरह के आरोप लगाए, लेकिन परिवारवाद पर कुछ बोलने से बचते रहे। बता दें प्रधानमंत्री मोदी की सभा के दिन ही तेजस्वी यादव और राजद ने एक लिस्ट जारी की, जिसमें एनडीए के 14 उम्मीदवारों के परिवारवाद की चर्चा थी। तेजस्वी ने लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी बिहार में प्रथम चरण की 4 सीटों को प्रचार करने आएंगे और इन 4 सीटों पर विशुद्ध 100% परिवारवादी उम्मीदवार हैं। उनके अनुसार इनमें से 2 कथित क्षेत्रीय परिवारवादी पार्टियों के तथा 2 उम्मीदवार देश की सबसे बड़ी परिवारवादी एवं वंशवादी नेताओं से भरी पड़ी बीजेपी के हैं।
बिहार के महागठबंधन में मुकेश सहनी के नेतृत्व वाली पार्टी वीआईपी शामिल हो गई है। राजद नेता तेजस्वी यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकेश सहनी ने ये जानकारी दी। वीआईपी को बिहार की 3 सीटें गोपालगंज, झंझारपुर और मोतिहारी दी गई है। सीएम नीतीश कुमार के करीबी मंत्री महेश्वर हजारी के बेटे सन्नी हजारी कांग्रेस में शामिल हो गए। उनके साथ मुजफ्फरपुर के भाजपा सांसद अजय निषाद और पटना के विक्रम विधानसभा क्षेत्र से पूर्व बीजेपी विधायक अनिल कुमार शर्मा भी कांग्रेस में शामिल हो गए। इसके अलावा तेलंगाना में भी बीजेपी को झटका लगा है। पूर्व विधायक और भाजपा नेता कुना श्रीशैलम गौड़ कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। जेडीएस नेता एचडी कुमार स्वामी ने कहा है कि वो लोकसभा चुनावों में वो एनडीए की बेहतरीन संभावनाओं की ईमानदारी से काम कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि संसदीय चुनावों के बाद भाजपा के साथ गठबंधन जारी रहेगा या नहीं जारी रहेगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि उनकी पार्टी और उसके नेताओं के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। उन्होंने इसके साथ ये भी बता दिया कि मौका मिलने पर वो कृषि मंत्री बनना चाहते हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने बेंगलुरु में रामेश्वरम कैफे बम विस्फोट मामले में शिवमोग्गा के तीर्थहल्ली में बीजेपी सिटी यूनिट के एक नेता से पूछताछ की है। यह घटनाक्रम तब सामने आया है जब एनआईए ने करीब 10 दिन पहले रामेश्वरम कैफे बम विस्फोट मामले में कई घरों और दुकानों पर छापेमारी की थी और दस्तावेज जब्त किए थे। माना जा रहा है कि भाजपा नेता से पूछताछ एक मोबाइल की दुकान के 2 युवकों के साथ उनके संबंधों से जुड़ी हुई है, जिनसे पहले एनआईए ने पूछताछ की थी। इस खबर को ट्वीट कर पवन खेड़ा और जयराम रमेश ने कहा है, क्या खबर, ये हमें झकझोर देती है। जयराम रमेश ने कहा है कि इन सनसनीखेज घटनाक्रम पर राष्ट्रीय मीडिया चुप क्यों है। मध्य प्रदेश में गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। यहां के खजुराहो सीट से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी मीरा यादव का नामांकन निरस्त कर दिया गया है। अब खजुराहो में सिर्फ बीजेपी प्रत्याशी वीडी शर्मा ही अकेले रह गए। सीट समझौते के तहत कांग्रेस ने खजुराहो सीट समाजवादी पार्टी को दी थी। नामांकन निरस्त होने के बाद अखिलेश यादव ने कहा है कि खजुराहो सीट से इंडिया गठबंधन की सपा प्रत्याशी मीरा यादव का नामांकन निरस्त करना सरेआम लोकतंत्र की हत्या है। कहा जा रहा है कि हस्ताक्षर नहीं थे तो फिर देखने वाले अधिकारी ने फॉर्म लिया ही क्यों, ये सब बहाने हैं और हार चुकी भाजपा की हताशा है। जो न्यायालय के कैमरे के सामने छल कर सकते हैं वो फॉर्म मिलने के बाद पीठ पीछे क्या क्या साजिश रचते होंगे। उन्होंने कहा, इस घटना की भी न्यायिक जांच हो, किसी का पर्चा निरस्त करना लोकतांत्रिक अपराध है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 की गैर संवैधानिक बताकर रद्द करने वाले 22 मार्च के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसलों पर रोक लगा दी है। इसका अर्थ ये हुआ कि फिलहाल यूपी में मदरसा अपना संचालन जारी रख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये फैसला सही नहीं हो सकता कि मदरसा बोर्ड की स्थापना सेकुलरिज्म के सिद्धांत का उल्लंघन है। हाईकोर्ट के 22 मार्च के फैसले के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि मदरसा को बंद करना पड़ेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया हाईकोर्ट का ये नतीजा निकालना गलत था। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ कर रहे थे, जिसके बाद लोगों के ट्वीट सीजीआई चंद्रचूड़ की तारीफ करते हुए आने लगे हैं। अभिषेक गोयल नाम के ट्विटर यूजर कहते हैं, सीजीआई चंद्रचूड़ की तरह इनको कोई रोस्ट नहीं कर पाता। आरजेडी के खाते में गई पूर्णिया सीट पर पप्पू यादव ने निर्दलीय नामांकन भर दिया है। हालांकि कांग्रेस पार्टी उनसे नाम वापस लेने की मांग कर रही है। कांग्रेस की इस मांग और आरजेडी के दबाव के बीच उनका एक वीडियो जारी हुआ है। इस वीडियो में भावुक हुए पप्पू यादव लोगों के सामने भाषण देते हुए रोने लगते हैं। उन्होंने आरजेडी नेता लालू यादव के बारे में कहा कि पिछले 14 दिन से मुझे अपमानित किया जा रहा है, मेरी पार्टी खत्म की गई, इतनी नफरत क्यों है मुझसे, कौन सी दुश्मनी थी मुझसे, क्या किया था मैंने, मैंने कहा था लालू को हम आपके बेटे को सीएम बनाएंगे, साथ में लड़ेंगे। इतना सब बोलने के बाद पप्पू यादव रोने लगे। उनकी आंखों से आंसू निकलते देख जनता भी भावुक हो गई। इस बीच पप्पू यादव ने कहा कि उनके कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं से अच्छे संबंध हैं, सभी का सम्मान करते हैं, लेकिन वो अपना नामांकन वापस नहीं लेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले नेताओं के दल बदलने का खेल जारी है। कोई कांग्रेस छोड़ बीजेपी में जा रहा है तो कोई बीजेपी छोड़ कांग्रेस का दामन थाम रहा है, मगर हाल के समय में देखें तो कांग्रेस छोड़ बीजेपी में जाने वालों की संख्या थोड़ी ज़्यादा है। कांग्रेस को एक के बाद एक झटका लग रहा है। इसी बीच कांग्रेस पार्टी के नेता हरीश रावत ने अपनी पार्टी को निशाने पर ले लिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी बहुत सुस्त हो गई है। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने आगे कहा कि कांग्रेस बहुत आलसी हो गई है, मगर उसके साथ अलायंस करने वाले लोग उसको जगाने का काम कर रहे हैं। वो उनसे कह रहे हैं कि उठो, जागो, लड़ो और जीतो। एक्ट्रेस से बीजेपी नेता बनी कंगना रनौत ने सुभाष चंद्र बोस को देश का पहला प्रधानमंत्री बताया।
जिसके बाद लोग उन पर तंज कस रहे हैं। उनके बयान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चर्चा और बहस छेड़ दी है। कई यूजर्स ने उनके दावे के बाद फैक्चुअल ज्ञान की कमी पर सवाल उठाए। एक्टर प्रकाश राज ने भी वीडियो शेयर किया और लिखा, सुप्रीम जोकर पार्टी के जोकर ये अपमान है। बीआरएस के अध्यक्ष केटी रामा राव ने कहा है कि नॉर्थ से भाजपा का एक नेता कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस हमारे पहले पीएम थे, वहीं साउथ से एक और भाजपा नेता कह रहा है कि महात्मा गांधी हमारे पीएम थे। आखिरकार इन सब लोगों ने कहां से ग्रेजुएशन किया है? कांग्रेस नेता सुप्रिया सुनेत ने कहा है कि इनको हल्के में ना लें, बीजेपी श्रोमणियों की लिस्ट में ये आगे जाएंगी। एनसीईआरटी ने 12वीं क्लास की राजनीतिक विज्ञान या कहें पॉलिटिकल साइंस की किताब में ढेरों बदलाव किए हैं। किताब से बाबरी मस्जिद, हिंदुत्व की राजनीति, 2002 के गुजरात दंगों और अल्पसंख्यकों से जुड़े कुछ संदर्भ हटा दिए गए हैं। इस किताब को एकेडमिक सेशन 2024-25 से लागू कर दिया जाएगा। हाल के वर्षों में किताबों में कई संवेदनशील टॉपिक्स को हटाया गया है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पॉलिटिकल साइंस के भारतीय राजनीति नए अध्याय नाम के 8वें चैप्टर में अयोध्या विध्वंस के संदर्भ को हटा दिया गया है। चैप्टर में राजनीतिक लामबंदी की प्रकृति के लिए राम जन्मभूमि आंदोलन और अयोध्या विध्वंस की विरासत क्या है, इसे बदलकर राम जन्मभूमि आंदोलन की विरासत क्या है कर दिया गया है। एनसीईआरटी का कहना है कि ऐसा इसलिए किया गया है ताकि सवालों के जवाबों को नए बदलाव के साथ जोड़ा जा सके। 1 जनवरी 2018 को पुणे के पास भीमा कोरे गांव में हुए दंगे के मामले में गिरफ्तार प्रोफेसर शोमाकांत सेन को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जमानत अवधि के दौरान शोमाकांत सेन विशेष अदालत की अनुमति के बिना महाराष्ट्र नहीं छोड़ेंगे। अदालत ने उन्हें अपने निवास स्थान के बारे में जांच अधिकारी को सूचित करते रहने और उनके मोबाइल फ़ोन के GPS को 24 घंटे ऑन रखने का आदेश दिया है। प्रोफेसर सेन पर UAPA की धारा के तहत मामला दर्ज किया गया था। RBI की मौद्रिक नीति समिति ने लगातार 7वीं बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। इस फैसले से होम लोन ग्राहकों को ब्याज दरों में कमी के लिए अभी और इंतजार करना होगा। रेपो रेट वो दर है जिस पर RBI बैंकों को लोन देता है। रेपो रेट बढ़ने या कम होने से होम लोन, पर्सनल लोन समेत दूसरे लोन भी महंगे या सस्ते हो जाते हैं। शुक्रवार को मौद्रिक नीति की समीक्षा रिपोर्ट जारी करते हुए RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि रेपो रेट 6.5% ही बनी रहेगी। अब तक के सुर्खों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।